रहमान रहीम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैकले के बारे में। ये फ्रेंच की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो ये 701 की रैंकिंग में आती है यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए भी, और सबसे बड़ी बात इसमें स्टूडेंट्स आपको स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है और बहुत ही अच्छी अमाउंट में जो है वो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। इसमें अप्लाई के लिए आपको प्रोसीजर बहुत ही ईजी और सिंपल है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज ऑफर है। आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके यहाँ पे अप्लाइंग फॉर मास्टर प्रोग्राम पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे करने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे चूज प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। इसमें आपने लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश कर देना है और सर्च पे आपने क्लिक कर देना है। इसमें जो है वो काफ़ी सारे कोर्सेज जो ऑफर की जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं आपकी जो फील्ड के रिलेटेड हैं, और इसमें आप इसको ओपन करके आप इसको इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें अप्लाई करने के लिए दो प्रोसीजर है, एक M1 है, M2 है। M1 जो है वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं और M2 आप सेकंड ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपके जो क्रेडिट हैं वो लेस हो जाएंगे और आप 1 ईयर के अंदर आप मास्टर कर लेंगे। और इसमें स्टूडेंट्स मैं पहले स्कॉलरशिप की बात कर लूँ, इसके बाद जो है वो बाकी एप्लीकेशन प्रोसीजर पे मैं आता हूँ। आपने यहाँ पे जाना है इंटर स्कॉलरशिप एंड फंडिंग सपोर्ट पे। यहाँ पे आ जाएंगे इंटरनेशनल मास्टर स्कॉलरशिप, ये एफएल स्कॉलरशिप भी जो है वो उसके अंडर भी आती है ये यूनिवर्सिटी, वो भी हो सकता है आपको मिल जाए। यहाँ पे आपने आ जाना है कॉल फॉर एप्लीकेशन 2024-25 पे। नीचे आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ये जो स्कॉलरशिप है ये 1 या 2 साल के लिए जो स्टूडेंट्स को मास्टर्स के उनको जो है वो अवार्ड की जाएगी। अब ये डिपेंड करता है लेवल पे, आप M1 में एनरोल होते हैं या फर्स्ट ईयर में आप एनरोल होते हैं या M2 जो सेकंड ईयर में एनरोल हो रहे हैं सेकंड ईयर में। और नीचे आ जाते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन पे। स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद आपको अप्लाई करने का जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल है। इसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो 3 मई तक आप इसमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका जो है वो एप्लीकेशन के बाद आपको जब एडमिशन मिल जाएगा वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें आपने 3 मई से पहले पहले जो है स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना होगा। और फिर आपने जो रिकमेंडेशन लेटर है वो अपने किसी भी टीचर का ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, वो उन्हें ईमेल करेंगे तो आपके जो प्रोफेसर ने वहाँ पे रिप्लाई देना होगा। तो उसकी जो डेडलाइन है वो 7 मई है। 7 मई से पहले पहले आपने रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करवाने हैं और जो स्कॉलरशिप की लिस्ट जो पब्लिश होगी वो एंड ऑफ जून जो है वो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो स्कॉलरशिप आपको ऑटोमेटिकली इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। स्कॉलरशिप के लिए आपने सेपरेट अप्लाई करना होगा, उसके लिए आपको एडमिशन के बाद जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसमें एप्लीकेशन का। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्टेड स्टूडेंट विल ऑटोमेटिकली बी सेंड अ लिंक बाई ईमेल, तो आपने उस फॉर्म को जो है फिल करके आपने सबमिट कराना होगा। इसमें आपके 2 रेफरेंस लेटर जो हैं वो चाहिए होंगे प्रोफेसर के, और मैक्सिमम यही रिक्वायरमेंट है, बाकी जो है वो आपने फॉर्म फिल करना होगा। एलिजिबिलिटी में स्टूडेंट्स इसमें जो है वो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होने चाहिए, आपने पेरिस में स्टडी ना किया हो मोर देन 3 कंसेक्यूटिव ईयर, आप पेरिस में ना स्टे किया हो आपने, और जो है आपका जो आपने किसी और टाइप की फंडिंग जो है वो 650 यूरो पर मंथ से ज़्यादा की ना ली हो। अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप मिली है वो 650 यूरो से कम है तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई के लिए। अगर वो 650 यूरो या इससे ज़्यादा है तो फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसमें नीचे आ जाते हैं प्रोग्राम फील्ड के बारे में। ऑल एकेडमिक फील्ड किसी भी कोर्स से रिलेटेड आप इसमें एडमिशन लेंगे मास्टर में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। इवेल्युएशन की बात की जाए तो यहाँ पे एकेडमिक लेवल, पर्सनल प्रोजेक्ट और ये चीज़ें जो हैं वो चेक की जाएंगी आपकी जो है वो स्कॉलरशिप के लिए। हो सकता है वो आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कर दें। इसमें अमाउंट की बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स 10,000 यूरो पर ईयर जो है वो आपको दिए जाएंगे, और ये कंजर्वेटिव 10 मंथ्स के लिए जो है वो आपको इतनी अमाउंट जो है वो पे की जाएगी। बाकी इसमें जो 1,000 यूरो है वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, वीज़ा के जो टिकट वगैरह है वो डिपेंड करेगा आपके रीजन में आप किस कंट्री से आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है वो आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है विल रिसीव अ स्कॉलरशिप, और ट्रेवलिंग एक्सपेंस वगैरह भी जो है वो दिए जाएंगे वहाँ फ्रांस में पहुँचने के बाद।
बाकी स्टूडेंट्स इसमें जो है वो इंटर्नशिप्स वगैरह का है, और अगर आपको कहीं इंटर्नशिप वगैरह मिल जाती है उसकी जो है वो आपको वो अच्छी खासी अमाउंट मिल रही है, वो अगर 77 यूरो से प्लस होगी तो आपकी जो है वो स्कॉलरशिप टर्मिनेट की जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो अमाउंट इंटर्नशिप के थ्रू ले रहे हैं। और आपको एडमिशन मिलने के बाद आपको जब लिंक मिल जाएगा तो आपने जो है वो स्कॉलरशिप मिलने के बाद 8 डेज के अंदर आपने कंफर्म करना होगा कि आपने ये लेनी है कि नहीं लेनी। अब स्टूडेंट्स चलते हैं एडमिशन प्रोसीजर पे। आपने सिंपली यहाँ पे एडमिशन पे आ जाना है, अप्लाइंग फॉर मास्टर पे आ जाना है। अगेन नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइंग फॉर मास्टर डिग्री, इस पे आपने क्लिक कर देना है। वहाँ पे नीचे आ जाएंगे M1, जो आप अगर फर्स्ट ईयर में अप्लाई करेंगे तो आपने उस पे जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपने इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपने अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करके यहाँ पे अप्लाई करना है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने साइन अप फॉर अकाउंट पे क्लिक करना है। सिंपली स्टूडेंट यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन दे के ये कैप्चा आपने फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करना है। आपको एक ईमेल आ जाएगा, ईमेल में स्टूडेंट्स इस तरह का लिंक होगा, इसको आपने क्लिक करके जो है वो एक्टिवेट कर देना है अकाउंट अपना। तो जो है वो मेरा अकाउंट जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, तो मैं इसको जो है वो लॉग इन कर देता हूँ। साइन अप करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये पेज आ जाएगा, आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। मेरा ऑलरेडी मैंने किया हुआ है तो इसलिए मेरा ये आ रहा है। आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, सेम यही वाली इस तरह की आ जाएगी। इसमें स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम इसमें सिलेक्ट किया हुआ है। इसकी डेडलाइन जो है वो 28/4/2024 तक है, इससे पहले पहले आप जो है वो इसमें अप्लाई कर दें। और इसमें फिर यहाँ पे आने के बाद आप, मैं इस पे होम पेज भी चला जाता हूँ, मैं इसमें न्यू ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ से आपने अपने कोर्स जो है वो सिलेक्ट करना है, मास्टर डिग्री इसमें आपने अपना जो भी रेलेवेंट कोर्स है वो सिलेक्ट कर देना है। ये इसमें आप M2 में अप्लाई कर सकते हैं, जो एम वाले हैं वो M1 वाले वो आपने देख लेने हैं मैंने जो किया था। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप 2 ईयर में आप एनरोल हो सकते हैं, पहले में भी दूसरे में भी। आप मैं M1 कर देता हूँ। प्रोग्राम इसमें ये ऑफर किए जा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन आपने सिलेक्ट कर देनी और आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली अपनी डिटेल दे देनी है, कंट्री आपने सिलेक्ट कर देना है। स्टूडेंट्स ऑप्शनल है, सिटी ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी जो BS की डिग्री है उसकी जो है वो ईयर लिख देना है कि कौन से ईयर में आपने ये डिग्री कंप्लीट की थी। यहाँ पे आपने अपना कोर्स सेलेक्ट कर देना है। मैं साइंटिस्ट इंजीनियरिंग साइंस जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अगर आपने विद ऑनर्स की या हायर ऑनर्स की है तो आप उसको सिलेक्ट कर दें, मैं विद ऑनर्स कर देता हूँ। ये बेसिकली कैटेगरीज होती हैं। कंट्री आपने सिलेक्ट कर देना पाकिस्तान, इसको आपने नो कर देना है। और वो आपने यहाँ पे लिख देना है इन फॉरेन इंस्टीट्यूट, यहाँ पे लेवल आपने लिख देना है बैचलर,
कंट्री आप सिलेक्ट कर देंगे, सिटी आपने अपना सिलेक्ट कर देना है, यूनिवर्सिटी का अपना नाम लिख देना है। कोर्स आपने लिख देना है, और नीचे आपने इसको भी नो कर देना है। बेसिकली स्टूडेंट्स ये बाय ईयर लिखा हुआ है, तो आपने अगर 2023 और 24 में अगर स्टडी नहीं की तो आपने इसको नो के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है, अदरवाइज आपने जो है वो इसी तरह इसको जो है वो फिल करते जाना है। इसको आप नो स्टडी कर देंगे, और अगर आपने इससे पिछले ईयर्स में भी की है तो आपने इन फॉरन करके आपने इसी तरह फिल कर देना है, इसको आप नो कर देंगे। अगर आपने एक्सचेंज प्रोग्राम में है तो यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। और स्टूडेंट्स इसमें कुछ जो कोर्सेज हैं वो डबल डिग्री जॉइंट प्रोग्राम ऑफर कर रही है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में होता है। अब ये मास्टर्स करा रहे हैं एक योर यूनिवर्सिटी के साथ, इनका जो है वो एग्रीमेंट है। अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पार्ट होना चाह रहे हैं तो यस करें, अदरवाइज नो। और अगर आपका पीएचडी का प्लान है डॉक्टरेट का तो आप इसको यस करें, अदरवाइज आप इसको नो करें। अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो यस करें, अदरवाइज नो। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू इंटरप्टेड योर स्टडी मोर देन 2 ईयर्स, आपका स्टडी में मोर देन 2 ईयर्स का गैप आया तो आप इसको यस कर दें, अदरवाइज आप इसको नो कर दें। इसको आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपने जीपी अपना मेंशन कर देना है। इसको आपने न्यूमेरिक भी आप दे सकते हैं, ये इस तरह आपने लिख देना है। अगर आपका 3 GPA है तो आपने इसको आउट ऑफ 4 कर देना है। आप स्टूडेंट्स इसको अल्फाबेटिकली भी लिख सकते हैं, आपका अगर A+ B+ बनता है तो आपने वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसको आपने सिलेक्ट करना होगा पहले, फिर आप इसको जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने जीपीए मेंशन करना है तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पे फिर जीपीए भी मेंशन कर सकते हैं आउट ऑफ 4। इसको अगर इससे 2 ईयर वाइज आपने एजुकेशन एड की थी उनका भी जो है वो आप इधर यहाँ पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना है। और यहाँ पे आपने कमेंट लिख देना है, यहाँ पे लिखना है ना GPA 3.14 आउट ऑफ 4। और इस तरह अगर आपका यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपने लिख देना है यहाँ पे नो एजुकेशन। नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर कोई इंटर्नशिप वगैरह है वो आपने लिख देनी है, सिंपली इसको ऐड पे क्लिक कर देना है अगर कोई और भी है, अदरवाइज आप इसको नेक्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपने वर्क एक्सपीरियंस लिख देना है, अगर आपके पास है ईयर आपने लिख देना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ड्यूरेशन, और यहाँ पे ब्रीफ लिख देना है कि आपके जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने लैंग्वेज सिलेक्ट कर देनी है, मदर टंग आपने अदर कर देना है, नेटिव आपने
अदर कर देनी है अगर आपकी है तो, इसको आप एज इट इज रहने दें। फ्रेंच स्किल आपने बिगिनर कर देनी है, आपकी नहीं है तो आप नो कर दें। इंग्लिश आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट या एडवांस कर दें, इसको आप यस कर दें, इसको आप यस कर दें। और इसका आपने इस यूनिवर्सिटी का ही नाम लिख देना है जो आपकी, जो ये यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, इसका आपने नाम लिख देना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने आपने अपनी करंट सिचुएशन लिखना है कि आप अभी जॉब हैं, एम्प्लॉयड हैं, जो भी है, या आप स्टूडेंट हैं, तो आपने वो मेंशन कर देना है। इसको अगर आपकी इंटरप्शन है तो आप यस कर दें, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप इसको नो कर दें। को आपने इंटरनेट कर देना है, नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी रिकमेंडेशन टीचर का नाम लिख देना है, ईमेल लिख देनी है, उसका दोबारा ईमेल लिख देनी है, आपको दो चाहिए होंगे। आपने दोनों का करके यहाँ पे कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे तो टीचर को जो है वो ईमेल चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। इसको मैं डमी डेटा से स्टूडेंट फिल कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये ईमेल आपकी चली जाएगी, और यहाँ पे जो है वो अभी ये पेंडिंग है। जैसे ही वो टीचर इसको वेरीफाई करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। इसमें आगे आपने स्टूडेंट्स सिंपली अपने सर्टिफिकेट, जो डिप्लोमा वगैरह है, वो अपलोड कर देने, और साथ जो है एप्लीकेशन को वैलिडेट करके सबमिट कर देना है। ये जब इसको आपने अभी के लिए यहाँ पे सेव एंड क्विट कर देना तो ये आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। जैसे ही आपकी टीचर रिस्पॉन्स करेंगे तो ये फिर फर्दर यहाँ से आपने आगे इसको प्रोसीड करना है। और स्टूडेंट्स इसमें आप अप्लाई करें, बहुत इजी है, फ्री है ये यूनिवर्सिटी, और स्कॉलरशिप भी बड़ी अच्छी ऑफर कर रही है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।